वाह, कितना सुंदर बना है। कितना हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज सुनू का फेवरेट है इडली, तो आज इडली बनाया गया है। देखिए यहाँ पे इडली और यहाँ पे चटनी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बैठी हूँ नाश्ता खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी सुनू का पापा का जिम जाने का वक्त हो गया है। चलिए, उनका वाटर बॉटल नहीं मिल रहा है, हम ढूंढ कर उनको दे देते हैं। उनका वाटर बॉटल कहाँ है? खो गया है। मिला क्या वाटर बॉटल? यस यस, शायद मिल गया उनको ढूंढ ढूंढ के। अरे, जाने से पहले ही थोड़ी बंद जाओ ना, जाने के बाद बंद करती। अभी ना सुनो घर पे नहीं है, आज स्कूल गई है, एग्जाम है, तो आज रो रो के जा रही थी, खाना नहीं खाई, तो इसलिए डांट दी तो सुनू को रोना लगे, रोने आई है। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बच्चे को अच्छे के लिए हम कभी कभी डांट भी सकते हैं। आज सुनू की ना आज मैथ असाइनमेंट एग्जाम है, तो वो अच्छी थी, वो स्टडी करके गई है, आज एग्जाम में लिखेगी। बोल रही थी, मामा मुझे ना क्लास में फर्स्ट होना है और फ्रंट बेंच में बैठना है। तो मन ध्यान दे के अब पढ़ाई कर रही है सुनू। फ्रेंड्स, आज देखिए जो चिड़िया है ना, हमारा वहाँ पे जो घर बनाया है, वो घर से आज निकल के बाहर बैठे हैं। अगर मैं रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास आ जाऊंगी ना, वो उड़ के भाग जाएंगे। गाइस, हमें बहुत थक गई हूँ आज ना, बहुत रास्ता, बहुत दुकान में, और रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना, गाड़ी एकदम 40 से आगे नहीं जा रहा था। तो गाइस, हमने ना दो दो घंटा लाइन पे खड़ा रहना पड़ा हमको बिलिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, आज ना मार्केट से बहुत सारे सब्जियां रेशन वगैरह खरीद कर लाई हूँ, लेकिन बता देती हूँ फ्रेंड्स, आज ना टोमेटो का रेट बहुत हाई है। मैं ओनली 600 ग्राम का मैंने 80-80 रुपीज दे के लाई हूँ। पुणे में भी बहुत महंगा है टोमेटो और सब्जी का भी। तो फ्रेंड्स, मेरा ना बिना टोमेटो में खाना बनता ही नहीं है, तो मुझे हर दिन टोमेटो चाहिए होता है, चाहे कुछ भी बनाए, तो कितना भी प्राइस हो जाए तो मैं टोमेटो इस्तेमाल करती हूँ और खरीद के लाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा सारे पौधा ना बालकनी का सारे सूख गया है, पता नहीं उसका कुछ तो बीमार हो गया। गाइस, आप लोगों को अगर पता होगा तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी फॉलो करूंगी। उसका ना जो पत्ता होते हैं, वो पत्ता एकदम मोच गया है एक कत्ते में, उसके बाद उसका जो बीमारी सारे पौधे में फैल गया है। हमारे ना दो पौधे से ऑलरेडी सूख चुके हैं और एक पौधा भी सूखने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे क्या इस्तेमाल करना है थोड़ा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मैं दिखाती हूँ कैसे सूख गया है हमारे सारे पौधे। देखिए, पहले यहाँ पत्ता मोच वाली, तब यहाँ पे ना एक पौधा था, उसको एकदम पत्ता मोच हो गया और पूरा सूख गया है, लेकिन एलोवेरा तो सही है। अभी उसको वो बीमार होने लगा है, देखिए कैसे हो रही है, मोच जा रहा है ऐसे। ऐसे मोच जा रहा है, ताकि सारे पत्ते झड़ जा रहे हैं, झड़ने के बाद ना ये पौधे सारे सूख जा रहे हैं। ये तो सही है हमारा गुलाब, यहाँ पे भी एक पौधा था वो भी सूख चुके हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी थोड़े बहुत ऐसे ही है मोच वाली बीमारी। और ये कड़ी पत्ता तो सही है समहाउ, और ये जैस्मिन का भी तो ठीक ठाक है, और यहाँ पे मनी प्लांट भी तो ठीक ठाक है। नीचे चलते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा घूम के नीचे घूम के आते हैं। अरे, चाबी लेना मैंने भूल जा रही हूँ, चाबी लेके नहीं जाऊंगी ना गाइस, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वांस मैंने दरवाजा बंद कर दूंगी ना और चाबी बिना लेके अगर बाहर चली जाऊंगी, हमारा दरवाजा का ऐसे कंडीशन है हम खुल नहीं पाएंगे,
इसलिए ना उसका हम पहले ही एक चाबी हमारा रिश्तेदार के पास रखे हैं और एक चाबी हमेशा मैं मेरे पास रखती हूँ और एक चाबी उस सुनू के पापा के पास रहती है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज ना हमारा घर में एक मेहमान आए हैं, मतलब इन लॉस गाँव का एक आए है कोई। तो फ्रेंड्स आज ना थोड़ा अच्छा खाना बनाना है तो मैं चलती हूँ किचन में, अभी थोड़ा फटाफट खाना बनाती हूँ। आज सोच रही हूँ खाना बनाऊँ राइस दाल और मशरूम का करी और साग फ्राई। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, अभी सुनू का आने का वक्त भी हो गया है तो पापा अभी जाएंगे सुनू का लाने के लिए। तो सुनू का आज पूछते हैं वो एग्ज़ाम अच्छे से लिखी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए सुनना अभी स्कूल से आई है, आके आज ना खुद अपना यूनिफॉर्म चेंज की, हाथ पैर धो ली और चुपचाप आके खाने के पास बैठ गई। सुन खा रही है साग फ्राई, यहाँ पे मशरूम राइस, लेकिन यहाँ पे जंप करने फिर आ गई। सुनो तुमने आज एग्जाम अच्छे से लिखी क्या? हाँ। आज कौन सा एग्जाम था तुम्हारा? आज हमारा मैथ्स एग्जाम था। मैथ्स एग्जाम थी? हाँ। तो सारे तुम मैथ्स करेक्ट करके आई हो? हाँ, करेक्ट है। और मैं उसका फाइल लेके आई हूँ, बट मैं देख रही थी मेरे बैग में था ही नहीं, इसलिए मैं इनके पास होगा शायद, नहीं तो मैं स्कूल में ही छोड़ के आ गई होंगी। तो कल मैं लेके आ जाऊंगी, मैं मुझे दे देगी तो मैं लेके आ जाऊंगी। मैंने ना कबर्ड रखा है, जो भी बच्चा स्कूल में कुछ खो जाएगा ना तो वो अपने कबर्ड में रखती है, दूसरे दिन वो अपने दे देती है उनका सामान। वेरी गुड। तो कल भी दे देगी मेरा फाइल। अभी मैजिक मैंने मनाया है तो चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, इसके अंदर का बहुत ठंडा है अंडा। तो ओ देखो फ्लावर है इसके अंदर, फ्लावर में क्या मना है अंदर से देखे, मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर है ना फ्रेंड्स। चलो दो मैं खोल देता हूँ, दो मामा वो टूट जाए, रुको रुको मैंने चलो खोल के दिखाओ पापी। फ्रेंड्स पापा और सुनू मिलके दो अंडा लिए थे, उसका केसर जो है ना उसको निकाल के वो कवर का अंदर पानी एंड फ्लावर डाल के 2 दिन के लिए फ्रीजर में रख दिए थे। देखिए ये फ्रटाइड हो गया था, मतलब आइस बन गया था, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन यह हमारा घर में ना बार बार करंट जाता है तो इसलिए बोर्ड थोड़ा पिघल गया है, अच्छे से टाइट नहीं पकड़ा। अगर ठीक से होता ना वो कांच होता है ना जैसे हम पेपर का ऊपर रखते है। तो फ्रेंड्स हमारे स्कूल में ना इंडिपेंडेंस डे, तो ना मैंने ना पार्टिसिपेट किया है, मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया, एक सिंगिंग में और एक डांसिंग में। बट A1 में भी एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, तो A1 का ग्रुप और हमारा ग्रुप दोनों मिलकर सिंगिंग करेंगे। तो चलो मैं उस गाने का नाम बताती हूँ, नन्हा मुन्हा राई हूँ देश का सिपाही हूँ, भूल गई मेरे साथ बोलो जय हिंद। नन्हा मुन्हा राई हूँ देश का सिपाही हूँ, मेरे साथ बोलो जय हिंद। मैंने वो सॉन्ग गा लिया। और कुछ तुम डांस का बोल रही थी? हाँ डांस करोगे? डांस का सॉन्ग का नाम है तेरी मिट्टी, तो मैं मैं डांस करती हूँ, पहले गाना तो लगा दो। तुमको आता है ना सुनो? नहीं